नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार में फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार लगेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से जनता दरबार लगाकर लोगों की फरियाद सुनेंगे। आपको बता दें कि सीएम के जनता दरबार में लोगों की शिकायतें और सुझाव सुना जाएगा। मुख्यमंत्री का यह कार्यक्रम पहले काफी लोकप्रिय था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे कुछ महीनों से स्थगित कर दिया गया था। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम पुनः अप्रैल या फिर मई के पहले हफ्ते से प्रारंभ होगा। विधानसभा स्थित अपने कक्ष में पत्रकारों से अनौपचारिक चर्चा के क्रम में मुख्यमंत्री ने खुद ही इस बात का ऐलान किया है। आपको बता दें कि पहले जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास के एक हिस्से में होता था, लेकिन मिली जानकारी के अनुसार वहां निर्माण होने की वजह से अब यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री सचिवालय संवाद परिसर में होगा। वहां इस आयोजन के लिए तैयारी चल रही है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को बिहार के हर हिस्से से आने वाले लोगों से सीधा संवाद करने का मौका मिलता है। इस तरह से उन्हें पूरे राज्य की सही और पक्की जानकारी भी मिलती रहती है। पत्रकारों से बात करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पहले जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में आई शिकायतों के आधार पर उन्होंने शिकायतों के निष्पादन की पूरी तरह से वैधानिक व्यवस्था की थी। वह तो चल ही रहा है, पर हाल के वर्षों में अपने दौरे के क्रम में उन्होंने यह पाया कि लोग मिलकर अपनी बात कहना चाहते हैं। इसमें उन्हें अधिक संतोष का अनुभव होता है, लोग फीडबैक भी देते हैं। इस बात को ध्यान में रखकर उन्होंने पुनः जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के आयोजन का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कोरोना महामारी के चलते जनता दरबार का आयोजन नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री के अनुसार एक बार आम लोगों को कोरोना का टीका लगना शुरू हो जाए तो वो जनता दरबार के आयोजन एक बार फिर से शुरू करेंगे, ताकि आम लोगों की समस्याओं से अवगत होकर उन समस्याओं का समाधान कर सकें। उन्होंने कहा कि उन्हें इंतजार है कि कोरोना का टीका आम लोगों को लगना शुरू हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि सीएम के जनता दरबार में राज्य के कोने कोने से लोग अपनी फरियाद लेकर आते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के जनता दरबार में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है और कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, इसलिए भीड़ में कोरोना महामारी के फैलने का खतरा भी बढ़ सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक हर सोमवार को अलग अलग विषयों की शिकायतें ली जाएंगी। बताया जा रहा है कि जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम अपने पुराने फॉर्मेट पर ही संचालित होगा। हर सोमवार को अलग अलग विषयों पर लोग अपनी शिकायत के साथ पहुंचेंगे, वहीं संबंधित विभाग के अधिकारी भी जनता दरबार में मौजूद रहेंगे। बताते चले कि मुख्यमंत्री ने खुद इस बात का ऐलान किया है कि जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम फिर से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि लोग मिलकर अपनी बात कहना चाहते हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में हर सोमवार मुख्यमंत्री लोगों से मिलेंगे। प्रत्येक सोमवार अलग अलग विषयों पर लोग अपनी शिकायत या सुझाव लेकर मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंचेंगे। सीएम नीतीश कुमार इस कार्यक्रम की शुरुआत 2005 में अपने पहले कार्यकाल में ही शुरू किए थे। उन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे लोगों की समस्याओं का समाधान किया है। इस कार्यक्रम में लोग अपनी बात सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने रखते हैं और उन्हें तत्काल न्याय मिलता है। अब एक बार फिर बिहार में इस कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।